तो दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की बैटल के बारे में। दोस्तों जो ट्रेलर के अंदर में स्कार किंग और कॉन्ग की बैटल दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएं कि हमें मूवी के अंदर इन दोनों की बैटल कैसे देखने को मिलने वाली है। और हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर भी देखने को मिल जाए, तो अपने रिस्क के ऊपर इस वीडियो को देखें। बस दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे आपकी तरफ से। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता रहेगा कि होलो अर्थ के अंदर कॉन्ग अकेला है और जब भी वो इधर उधर घूम रहा है। लेकिन दोस्तों जब कॉन्ग सुको से मिलेगा तो उसको पता लगेगा कि नहीं, उसके जैसे और भी लोग हैं। और दोस्तों सुको ही स्कार किंग के एम्पायर में कॉन्ग को लेके जाएगा और वहीं कॉन्ग को उसकी तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि स्कार किंग के एम्पायर के अंदर हमें दो तरह की कॉन्ग की प्रजातियां देखने को मिल रही है, यानी स्पीसीज देखने को मिल रही है, यानी फैमिली देखने को मिल रही है, जिसमें से एक तो स्कार किंग की आर्मी होने वाली है, ये तो कन्फर्म है। और दोस्तों ये बात मैं कन्फर्म क्यों कह रहा हूँ वो मैं इस वीडियो के आगे बता दूंगा। लेकिन दोस्तों जो कॉन्ग की दूसरी फैमिली है जो कि स्कार किंग से डर रही है, वो कॉन्ग की तरफ होने वाली है, जिसको कॉन्ग स्कार किंग से लड़के आजाद कराएगा। इसके बाद दोस्तों में स्कार किंग का प्रॉपर फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो कि कॉन्ग से लड़ने नीचे उतर रहा है। इसके बाद दोस्तों आप कॉन्ग को भी देख सकते हो जो कि अपने लोगों के साथ नीचे खड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों में देखने को मिलती है स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग की बैटल। और दोस्तों इसी बैटल के अंदर में कई सारी डिटेल्स मालूम पड़ती है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आप स्कार किंग का वेपन देख सकते हो जो कि स्कार किंग कॉन्ग के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। और वही दोस्तों इस वेपन के जो एंड के अंदर क्रिस्टल लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके स्कार किंग शिमु को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद दोस्तों कॉन्ग को अगले शॉट के अंदर शिमु के आइस बीम रोकते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कॉन्ग का दोनों हाथ सही है और उसका दांत भी नहीं टूटा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कॉन्ग जब स्कार किंग से लड़ रहा था तो कॉन्ग स्कार किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद स्कार किंग शिमु का इस्तेमाल करके कॉन्ग को रोकने के लिए। इसके बाद दोस्तों शिमु अपनी आइस बीम से कॉन्ग का वेपन फीस कर देगा। इसके बाद हो सकता है दोस्तों कॉन्ग स्कार किंग और शिमु का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों स्कार किंग कॉन्ग का एक हाथ तोड़ देगा और एक दांत तोड़ देगा। लेकिन फिर दोस्तों जैसे जैसे करके कॉन्ग सुको के साथ मिलकर वहां से निकल जाएगा। और फिर अगले शॉट के अंदर हमें स्कार किंग की आर्मी सुको और कॉन्ग का पीछा करेगी, तो वही अब इस शॉट के अंदर देख सकते हो कि सुको स्कार किंग की आर्मी को रोक रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों सुको और कॉन्ग दोनों मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं कह रहा था ना दोस्तों स्कार किंग की आर्मी भी होने वाली, तो यहाँ पर मेरी बात कंफर्म हुई। और दोस्तों सुको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी का, जो कि शायद स्कार किंग का बेटा भी हो। इसके बाद दोस्तों हो सकता है कि बैटल के बाद ये वाला शॉट हमें देखने को मिले। अब कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कॉन्ग को पूरी हालत के अंदर देख सकते हो, क्योंकि इसी शॉट के अंदर हमें आगे कॉन्ग को उसका न्यू वेपन देखने को मिलता है। और फिर हमें फाइनली स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग की सेकंड बैटल भी देखने को मिलने वाली है, जो कि इस मूवी का क्लाइमैक्स होगा, यानी एंडिंग होगी। और फाइनली दोस्तों इसी बैटल के अंदर हमें कॉन्ग अपना बदला लेते हुए देखेगा, जहां पर उसका सबसे पहले दांत टूटा था, तो अपना दांत टूटने का बदला दांत टूटने से ही लेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि कॉन्ग अपने एक पंच से स्कार किंग का दांत तोड़ रहा है और कॉन्ग ने यहाँ पर अपना फाइनली बदला ले लिया। लेकिन दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे दोस्तों हम इस वीडियो को पार्ट टू भी बनाई है, अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक कर देंगे तो। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रोकते हैं।